गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हेमंत पवार एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस इट्स 5:23 इन द मॉर्निंग एंड ऑल दो मेरा प्लान था 5 बजे उठने का, बट थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, दिन चलता है। तो प्लान है कि जल्दी से फ्रेश होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और फिर बिगिन करते हैं अपनी फर्स्ट जर्नी विद द टाटा नेक्सॉन दैट इज़ टू भीमताल। तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। प्लान था 6:30 बजे तक का निकलने का, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है जब होते हैं भाई। एक तो इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न है, ये मेरा भाई ये इसको भाई मैं उठाता रहा, उठता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो रेडी हो चुके हैं और बेसिकली ट्रिप रहने वाली है दिल्ली टू भीमताल, जो कि हमें 301 किलोमीटर पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी, स्टे ट्यून। तो भाई ये 6 hour 44 minute दिखा रहा है 301 किलोमीटर अपने घर से। तो गाइस लगेज हो चुका है पूरा कम्प्लीटली पैक यहाँ पे, इसको कर देंगे बंद और कुछ और एक चीज़ें कर लें। इसको करते हैं रीसेट। गैस सबसे पहला स्टॉप होने वाला हमारा, गैस करो क्या, पेट्रोल पंप। वहाँ जाएंगे। सबसे पहले टैंक फुल कराते हैं। अरे मेरी सिस्टर है पीछे से, डिस्टर्ब कर रही है मेरे को, यानी क्या क्या करे। कोई बात नहीं, ऐसे एलिमेंट्स को थोड़ा अवॉइड कर दो। गाइस घर से निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटा हो चुका है हमें। और अभी छोटा सा ब्रेक लिया था कुछ खाने पीने के लिए, मतलब टी ब्रेक कह सकते हैं उसे, क्योंकि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बिकॉज अभी थोड़ा कोविड के चलते हुए ऐसे रेस्टोरेंट या ढाबे में हमने बैठना चाहिए समझा नहीं, इसलिए घर से लाए थे कुछ खाने के लिए, तो उसी के लिए थोड़ा ब्रेक लिया है। बाकी मैं अभी दिखाता हूँ कि कितनी गाड़ी चल चुकी है। ड्राइविंग का तो ऐसे अभी पापा फ़िलहाल चला रहे थे, आगे जाके देखते हैं, स्विच करते रहेंगे हम। ये अभी 136.7 किलोमीटर चला है, इसमें 18.1 की एवरेज दिखा रहा है। बीच में 20 भी आई थी, AC चलता रहता है तो 20 के आसपास भी दिखाती है। वैसे अभी गाड़ी को दिखा देता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे भीमताल है और 2:03 हो रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं भीमताल। और बात करें नेक्सॉन की परफॉर्मेंस ने, तो अभी तक तो ठीक है, ठीक ठाक ही दी है। हल्का सा मेरे को इसमें पावर में कमी लग रही है, क्योंकि टर्बो जब तक हिट नहीं होता तो पहाड़ों में थोड़ी सी दिक्कत आपको होने वाली है, और ये थिक A प्लेयर के कारण हल्का सा आपको हो सकता है विजन ब्लॉक हो। बाकी कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा यहाँ पर। ये भीमताल है, यहाँ से कुछ 5-7 किलोमीटर आगे हमारा स्टे है, साताल रोड पे पड़ता है। चलिए फिर चलते हैं साथ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा 3 बज रहे दोपहर में और हम पहुँच चुके थे। हाँ देखो कुछ ऐसा व्यू होता है हमारे रूम से। तो गाइस ये अंबिका कॉटेज है और यहाँ पे अंबिका हाइट्स करके यहाँ पे एक होम स्टे है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और कुछ ऐसा यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। ये अपनी कार खड़ी है, काफ़ी अच्छा प्लेजेंट सा मौसम है और ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है ज़्यादा। आप अगर इस टाइम में आ रहे हैं, जून जुलाई में या अगस्त तक भी आ रहे हैं, तो आपको स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह में काम चल जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ की कुछ ब्यूटी आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे इंटू तो नीचे पूरा होके, वही सिटी की सब भाग दौड़ से हट के अच्छा यहाँ पे रिलैक्स करने आ सकते हैं आप लोग। पहुँचने के बाद एक्यूरेट जो है ट्रिप 319.5 किलोमीटर चली है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, और आगे की वीडियो में और शेयर करूँगा जगह के बारे में और कार के परफॉर्मेंस के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।